नाइम नगर के विधवा के एकलौते पुत्र को पुनर्जीवित करने वाले यीशु को देखते हैं। क्रिसमस में प्रिय भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, सबको मेरा जय यीशु। आज हमारे लिए प्रस्तुत है संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 7:11-17। प्रिय बंधुओं, जब यीशु नाइम नगर पहुंचे, नगर के फाटक पर ही उस विधवा के एकलौते पुत्र का पार्थिव शरीर लेकर आने वाले भीड़ को देखे, प्रभु ने देखी और वह हम पर, हम देखते हैं प्रभु को उन पर दया आई। किसी ने वहां पर प्रभु से प्रार्थना नहीं की, परंतु प्रभु की नजर उस स्त्री पर पड़ी, उस मां पर पड़ी, उस दुखित नारी पर पड़ी जिसके एकलौता पुत्र शांत हो गए। प्रभु दया और करुणा के सागर प्रभु यीशु ने लोगों के विश्वास के लिए इंतजार नहीं किया, प्रार्थना के लिए इंतजार नहीं किया, परंतु उस भीड़ को रोककर उस लड़के को जीवन दान पुनः प्रदान किए। हम देख सकते हैं संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 6, संत योहन के सुसमाचार अध्याय 6, संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 8, इन सभी जगह पर, तीनों जगह पर यीशु के रोटी का चमत्कार देखते हैं। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 6 में 5 रोटी और 2 मछलियों के उसको उससे 5,000 आत्पुरुष जनों को और अन्य लोगों को, इतनी बड़ी भीड़ को खिलाने वाले यीशु को देखते हैं, जबकि 8वां अध्याय में 4,000 से अधिक लोगों को खिलाते हुए देखते हैं, जो 7 रोटी और कुछ मछलियों के द्वारा यीशु के ये एहसास या यीशु का ये अनुभव, यीशु की वो सेंसिटिविटी, लोगों के जो भावना जानने का वो कृपा, यीशु ने भाप लिया उस स्त्री के दर्द को, दुख को, उस स्त्री के भविष्य को देख लिया और जो लोगों के लिए यीशु ने जो खाना खिलाया वहां पर हम देख सकते हैं लोग आकर प्रभु से भूखा है रोटी दो नहीं मांग, लेकिन 8वां अध्याय में बराबर यीशु कहते हैं मुझे इन पर दया आती है, वे कई दिनों से मेरे साथ भूखे प्यासे उसे वापस भेजेंगे तो वो रास्ते में ही बेहोश हो जाएंगे, बेहोश हो पड़ेंगे, गिरेंगे। और यीशु के इस कथन पर लोगों ने, शिष्यों ने 7 रोटी और कुछ मछली ले आए और चमत्कार किए। इन सभी बातों से हमें एक बात तो निश्चित रूप से समझ में आते हैं कि यीशु इतना दयालु है, लोगों के दुख दर्द हम बोले बिना भी जानते हैं। सर्वज्ञ प्रभु सब कुछ जानते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 139 में लिखते हैं प्रभु मैं चाहे लेटू या बैठू तू जानता है, तू दूर रहते हुए भी मेरा विचार जानता है। सर्वज्ञ प्रभु के सामने हम सिर झुकाए, हम समर्पित करें अपना सर्वस्व और वो सब कुछ करने में सक्षम है। हम अपने जीवन को समर्पित करते हुए प्रभु की कृपा पाए। आमीन।